मायावती को ऐसा देखा गया कि भले ही वो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति पे इतनी सक्रिय नहीं है लेकिन वक्त वक्त पर आकर जो बयान देके जाती हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत को उत्तर प्रदेश की राजनीति को आज भी प्रभावित करते हैं इसी बीच मायावती ने एक और बड़ा बयान दिया है और उससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने बयान में निशाना साधा अखिलेश यादव पर जी हाँ नमस्कार मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एस पी न्यूज मायावती ने बयान दिया है मायावती ने बयान दिया है चुनावों को लेकर जो बीत चुके चुनाव हैं उनको लेकर और इसके साथ साथ मुसलमान वोटास को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर तो आपको पूरी तरह बात समझाने की कोशिश करते हैं दरअसल हुआ यह मायावती ने बयान दिया है मायावती ने कहा है कि मुसलमान वोटर्स जो हैं वो इस वक्त समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज हैं और समाजवादी पार्टी से नाराज है इसी का खामियाजा जो देखा गया कि भले ही मुसलमानों ने अच्छे खासे तौर पर वोट दिया हो समाजवादी पार्टी को लेकिन चुनावों में इस बार बीजेपी सत्ता में वापस इसीलिए कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ स्थिति खराब रणनीति की वजह से जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ उससे बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी कर पाई और इस वक्त मुसलमान वोटर्स बेहद नाराज हैं

आगे ना के उत्तर प्रदेश की राजनीति को और ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं देखा जा रहा है कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है अखिलेश यादव उस दलदल में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं मायावती दूर से भी बैठकर लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का तमाशा देख रही हैं तो देखने लायक बात होगी कि क्या अखिलेश यादव के डूबते हाथ को मायावती का सहारा मिलेगा या फिर अखिलेश यादव की नया यहीं डूब जाएगी फिलहाल अभी के लिए इतना ही आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस पी नाइन न्यूज